महादेव के मंदिर के पास बना रखी थी दरगाह मस्जिद, फिर 58 बुलडोजरों ने मचा दिया तांडव। 102 एकड़ के इलाके का कर दिया सफाया। देश का अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, 5 दर्जन बुलडोजरों ने संभाला मोर्चा, फिर मिट्टी में मिला दिया अवैध अतिक्रमण। न कोर्ट रोक पाएगा न कोई आदेश, देश में हुई बुलडोजर की ऐसी कार्रवाई, हिल गए भाईजान। योगी के बुलडोजर एक्शन की दुनिया हुई दीवानी, देश के हर राज्य में बुलडोजर की दीवानगी। जी, गुजरात में अतिक्रमण पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर मौजूदा सरकारी जमीन सालों से अवैध निर्माण की शिकार हो रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि इस विशाल सरकारी जमीन पर 50 से ज्यादा इमारतें और धार्मिक स्थलों को तैयार कर लिया गया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के मकसद से शासन और प्रशासन ने इस जमीन पर बड़ा अभियान चलाया और पूरे अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। गुजरात के गिर सोमनाथ में मंदिर के पीछे सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। देर रात शुरू हुआ यह ऑपरेशन दिन में भी जारी रहा। इस अभियान में 58 बुलडोजर, सैकड़ों ट्रैक्टर और डंपर लगाए गए थे। सुरक्षा के लिए पुलिस के 1400 जवानों के साथ 102 एकड़ जमीन को खाली करने की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। एक तरफ देश के कोने कोने में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शासन और प्रशासनों का सख्त एक्शन जारी है, तो जमीन पर कब्जे को बरकरार रखने के लिए भी भीड़ तंत्र का सहारा लिया जा रहा है। शुक्रवार देर रात सोमनाथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। देश के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग में से एक गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचा तो भारी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई, लेकिन पुलिस की भारी फौज ने भीड़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाया और रात 3 बजे डिमोलेशन का काम शुरू किया गया। वहीं मलबा हटाने का काम शनिवार को भी जारी रहा। जानकारी के मुताबिक इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में 9 धार्मिक स्थलों को गिराया गया, साथ ही 45 रिहायशी इमारतों को भी जमींदोज किया गया। अतिक्रमण को हटाकर 102 एकड़ जमीन खाली करवाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 320 करोड़ रुपए बताई गई है। नोटिस के बावजूद खाली नहीं की गई थी भूमि। जी हां, जिले के डीएम डीडी जडेजा ने बताया कि सोमनाथ में इस अवैध अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से बहुत पहले नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था। आपको बता दें, उज्जैन कॉरिडोर की तरह सोमनाथ में भी कॉरिडोर बनना है, जिसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। सोमनाथ मंदिर के विकास के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसे में इस डिमोलेशन के बाद कॉरिडोर के काम में तेजी आने की संभावना है। ऐसे में देश के सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्योंकि लोगों को लगा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश भर में बुलडोजर के पैर जकड़ दिए जाएंगे। बुलडोजर के पैरों पर सुप्रीम कोर्ट की बेड़ियां बांध दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अतिक्रमण के मामले में हम कभी आपको नहीं टोकेंगे। कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण है, जमीन का कोई मामला है, तो कानून के अंतर्गत रहते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है, और ये कार्रवाई पूरी तरीके से कानून सम्मत थी। ऐसे में आप बताइए, इस बुलडोजर कार्रवाई पर आपकी क्या राय है।